Dear students, today I am going to discuss with you the remaining parts of the chapter. Means today I will conclude this chapter, okay, the Russian Revolution. So now we will discuss the Civil War. Already we have discussed the October Revolution and everything. So Civil War kya hai, dekho. When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Bolshevik army, Bolsheviks jo hai under the guidance of Lenin, they ordered land redistribution. Logon ke bhitar mein land ko redistribution karne ke liye order diya. But Russian army began to break up. Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Iske बाद नॉन बोल्शेविक्स जो सोशलिस्ट जो थे, लिबरल्स जो थे एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया बोल्शेविक का काम, मतलब बिल्कुल ये लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ना ये लोग थोड़ा सा जार का सपोर्टर्स थे, प्रो जार्स थे. ओके, सो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग एंड दे फॉर्म्ड देयर ट्रूप्स एंड वेयर कॉल्ड ग्रीन्स. ये नॉन बोल्शेविक पार्टी एक ठो ग्रुप बनाया, उसको बोला गया कि ग्रीन एंड व्हिच वुड फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक. ये लोग बिल्कुल मतलब ग्रीन, रेड एंड व्हाइट तीनों ग्रुप में डिवाइड हुए. ओके, सो उसके बाद द प्रो जार, ये लोग थे व्हाइट, जो लोग जार को सपोर्ट कर रहे थे. कल मैं बताई थी प्रो गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, लाइक दैट प्रो जार मीन्स जो जार को सपोर्ट कर रहे थे. दे वर द व्हाइट्स एंड ऑल्सो इन द बुक यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट क्लियरली हियर गिवन. सो कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. ये लोग क्या किए ना, तीन भाग में डिवाइड हो गए एंड दे वर सपोर्टेड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स. ये लोग उसके बाद मतलब तीन ग्रुप में डिवाइड हो गए और कोई किसी को सपोर्ट करने लगा. ऑल दिस फॉट ए वॉर विद द बोल्शेविक्स, मतलब ये लोग सारे बोल्शेविक के साथ बैटल करना चाहते थे, मतलब बिल्कुल नहीं पड़ता था, क्योंकि ना बोल्शेविक पार्टी का जो सिस्टम था वो टोटली कंप्लीटली डिफरेंस फ्रॉम अदर पार्टी. सो मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, लेकिन मकसद ये था, व्हाई द रिवॉल्यूशन वाज हेल्ड, बिकॉज ओनली टू मेक द सोशलिस्टिक सोसाइटी. सो द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर. सिविल वॉर के समय में बोल्शेविक ने क्या किया ना, इंडस्ट्रीज एंड बैंक को नेशनलाइज कर दिया. ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एक तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड. बहुत जोर से कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फिर स्टार्ट कर दिया गया. सो मेनी इंपॉर्टेंट स्कूल मीन्स द एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम ऑल्सो डेवलप्ड. स्कूलिंग सिस्टम ही डेवलप हुआ. देखो बहुत सारा काम फिर उस समय में करने लगा बोल्शेविक पार्टी मीन्स लेनिन ग्रुप. But after that death of Lenin, then Stalin came to part, being effect. Okay, so Stalin कौन है and collective farming क्या है, now we will discuss. See, Stalin believed that rich peasants and traders stocked supplies to create the shortage of grains. Stalin को और एक तो formula के ऊपर में विश्वास था कि rich peasants and traders stocked supplies to create the shortage of grains. Hence, collectivization was the need of the hour. इनको लगा कि समाज में और समानता लाने के लिए collectivization के ऊपर में ध्यान देना जरूरी है. So, in this hour, means the need of the hour, collectivization is most important. ये था Stalin का सोच. See, he is the Stalin. He was Stalin. Then this system would also help to modernize farms. उनको लग रहा था, ये विश्वास कर रहे थे, यदि ऐसा होगा तो ये सिस्टम फार्म को मॉडर्नाइज करेगा, करने के लिए हेल्प करेगा. एंड दी दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एक्जाइल्ड. दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड, जो फार्मर्स मतलब ऐसा नियम था कि वन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, इट विल बी मीन्स रूल्ड बाय द many important many farmers and after the getting benefits that benefit amounts it will be distributed among all the farmers. So those farmers who resisted collectivization were punished and deported or exiled. Jo kaam nahi karega isi ke hisab mein jo nahi karega usko punishment diya jayega, deported kar diya jayega aur exiled ko matlab nikal diya jayega pura shahar se. Okay, so students ye tha Stalin and collectivization. So today we have discussed about the civil war, about the means Lenin green group, red and white groups, and then the
Stalin and the collectivization farm. It was introduced by the Stalin. And at last, we will discuss the global influence. ये एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट. सो ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था, मतलब पूरा पृथ्वी को ये कैसा प्रभावित किया था ये रिवोल्यूशन. सो नाउ वी विल डिस्कस थ्रू द टू थ्री स्लाइड्स. ओके, सो बाय द 1950s इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन. Already we have known that French Revolution also given one important message, that was that liberty, fraternity and equality. Indian independence movement also given one message, that was the non-violence and truth. So like that, matlab ye Sikh milta hai pura country world ko. So in this time it was everything was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. So what is this? See, though its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, industry develop hua, agriculture develop hua, poor were being fed, logon ko khane ke liye mila, the essential freedom to its citizens was being denied. ye sab importance kaam hua tha revolution ke baad. However, it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russians. However, it was recognized that social ideals, लोगों के भीतर में ये जो समाजवादी चिंताधारा जो है, इसको बहुत लोग सम्मान देने लगे और रशिया में इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया. बट इन ईच एंड ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर थॉट इन ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. देखो, लेकिन सबसे एक यदि हम लोग समरी क्या है देखेंगे, सो दैट वॉज द सोशलिज्म. सोशलिज्म का इम्पोर्टेंस, सोशलिज्म का सोच जो है, ये पूरा पृथ्वी में प्रचार हुआ था. सो बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेर थ्रू आउट इन ए वेराइटी वे ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. सो स्टूडेंट्स, दैट मच ओनली फॉर टूडे. मीन्स दैट रशियन रिवोल्यूशन कंप्लीटेड. सो नाउ आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियोज. Every videos also so many important points is given. 10 to 12 videos, yeah, 7-8 videos I think I have sent already. So students, all the students in your class, you have to watch and write all the points. Then you will, if any doubt, then you can ask me, okay, through the comments. So till then, bye.